सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था आप किस तरह से मोबीक्विक वॉलेट और मोबीक्विक मर्चेंट का यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि जो हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो मनी मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट में ही फंस जाता है, वो हमारे अकाउंट में सेटलमेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जब आप एक सक्सेसफुली मोबीक्विक मर्चेंट बना लेते हो और ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आपका फंसता नहीं है, बल्कि जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको वहाँ पर 72 आवर्स लगते हैं फर्स्ट पेमेंट सेटलमेंट होने में, और उसके बाद से आपको 24 आवर्स में सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि हम सेल्फ मोबीक्विक मर्चेंट कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को मोबीक्विक वॉलेट और मोबीक्विक बिजनेस की मदद से लाइव ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केनर गुरु यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। और रही बात प्रूफ की, तो जो मैं अभी ट्रांसफर करने वाला हूँ इसका प्रूफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जोड़ने से आपको ये भी फायदा हो जाएगा, जो भी कोई न्यू अपडेट आता है या कोई ऑफर्स वगैरह आता है या कोई लूट डील्स आता है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाता है। तो जल्द से जल्द जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कीजिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रेडिट कार्ड की मनी को फ्री में अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला एप्लीकेशन है मोबीक्विक मर्चेंट और दूसरा जो है मोबीक्विक। सबसे पहले जो काम होता है मोबीक्विक वॉलेट एप्लीकेशन को होता है, तो चलिए हम अपने मोबीक्विक वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जरूरत होती है आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू मनी को ऐड करना, जिसके लिए आपको ऊपर में देखिए ऐड मनी का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पर आप क्लिक करके आप अपने मनी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर दीजिए, जितना भी मनी आपने ऐड करना है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जिस क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट ऐड करना चाहते हैं उस क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप न्यू क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो न्यू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी और CVV डालकर पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ मोबीक्विक वॉलेट में मनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मनी को ऐड करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो अब मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप अपने मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो मैंने अपने बिजनेस अकाउंट को ओपन कर लिया, और यहाँ देखिए रिसिप्ट पेमेंट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रिसिप्ट पेमेंट UPI, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो QR कोड है वो देखने को मिल जाएगा, इस QR कोड को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप यहाँ पर डाउनलोड करके इसको शेयर कर सकते हो। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो डिवाइस होंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने दूसरे डिवाइस में सेंड करना है। दूसरे डिवाइस में सेंड करने के बाद फिर से आप यहाँ से मिनिमाइज हो जाइए और जो अपना मोबीक्विक वॉलेट एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद देखिए ऊपर में ही आप ट्रांसफर मनी वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप वेया वॉलेट, वेया UPI, टू सेल्फ रिक्वेस्ट, और ऊपर में देखिए स्कैन एनी QR कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, और जो QR कोड आपने दूसरे डिवाइस में सेंड किया था उसको आपने स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लिया, और जितनी मनी मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास 122 रुपीज़ है, तो मैं 120 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देन आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है 121 रुपीज़ है, और आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर अदर पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके UPI को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 120 रुपीज़ ऐड कर चुका हूँ और यहाँ मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो प्रोसेसिंग में चला गया और ये जो पेमेंट है हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। सो गाइस, आपने देखा मैंने कितने आसान तरीके से मोबीक्विक वॉलेट और मोबीक्विक बिजनेस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। और आप जानना चाहते हैं सर मोबीक्विक बिजनेस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी आप यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो जो पहला ट्रांजेक्शन जो है सेटलमेंट होने में आपको 72 आवर्स लग जाते हैं, और दूसरा ट्रांजेक्शन जो है 24 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हो जाता है। तो इसका प्रूफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए।
सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में किस तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नॉलेज लेते रहिए।